ध्यान के द्वारा ज्ञान प्राप्त होता और ध्यान ज्ञान से धम्मा कैसे जाए और जब तक हमें ये पता नहीं चले कि ध्रम क्या है हम धार्मिक थी ये ध्रम क्या है कई बार साधारण लोग सोचते हैं कि हमारा धर्म अलग है धम्मा अलग है धर्म अलग है कई लोग सोचते हैं कि मुस्लिम धर्म अलग है हिंदू धर्म अलग है सब धर्म अलग है और हमारा धर्म अलग है ये अलग सर समझना ही अज्ञान तो धर्म क्या है तो प्राकृत भाषा में पाली भाषा में बुद्ध ने धर्म शब्द की व्याख्या की वो समझ लेना कि धर्म तो क्या है धर्म शब्द की व्याख्या है वस्तु सभा व धर्म ये पाली प्राकृत भाषा की व्याख्या है धर्म शब्द का अर्थ तो क्या है वस्तु वस्तु सहा वो धम्म धम्म समझ लेना बहुत जरूरी है धम्म जब तक हम समझेंगे नहीं धम्म शरण गच्छा में कैसे होगा धम्म समझने के बाद ही वो धम्म हमारा अंग होगा धम्मंग शरण गच्छा में होगा तो धम्म को समझ लेना धम्म अंग को अपना अंग बनाना है तो कैसे तो ध्यान में एक स्टेप है जिसको बुद्ध ने कहा धम्म विचयन तो धम्म समझना है धम्म को अंग बनाना है तो हमको सजग हो के जीवन का सत्य शोधना पड़ेगा और जीवन का सत्य शोधने की खोजने की जो पद्धति है जो प्रक्रिया है जो स्टेप है उसको बुद्ध ने कहा है धम्म विचयन तो धम्म विचयन धम्म विचयन से ही हमको पता चल चलता कि धम्म क्या है तो धम्म विचयन क्या है धम्म विचयन से हम धम्मानुपसना तो कैसे जा सकते तो धम्म जान लेना है धम्म अंग धम्म को समझ लेना है धम्म विचैन समझ लेना है और उसके भी पार धम्मानुपसना करना है तो धम्म क्या है तो बुद्ध कहते धम्म मतलब वस्तु सहावो धम्म सहाव का अर्थ होता है स्वभाव अध्यात्म में ये सामाजिक स्तर पर हम समझते हैं कि हिंदू अलग मुसलमान अलग बौद्ध अलग जैन अलग ईसाई अलग लेकिन आध्यात्मिक स्तर पर हमको इस शब्द का अर्थ समझ लेना है तब तो वस्तु सहाव सहाव का अर्थ होता है स्वभाव बुद्ध कहते हैं कि हर वस्तु का अपना स्वभाव है स्वभाव का अर्थ होता है नित्य गुण स्वभाव का अर्थ होता है इंटेंसिक कैरेक्टर स्वभाव का अर्थ होता है कि ऐसी चीज जिसके जिसके बगैर वो चीज हो ही नहीं सकती तो वो स्वभाव क्या है अब हम हमेशा ये इसके बारे में बातें करते कि अग्नि का स्वभाव अग्नि में हम, हम हाथ डालते तो जलता ना हाथ हाँ तो कहीं भी डाल जाओ आप पृथ्वी के इस कोने से उस कोने पर जाओ चाहे कहीं बर्फीले स्थान पर जाओ कहीं भी आग में हाथ डालो हाथ जलेगा क्यों जलेगा क्योंकि अग्नि का स्वभाव क्या है जलाना ये स्वभाव को धर्म बोला है तो अग्नि का धर्म है जलाना पानी का स्वभाव क्या है पानी का स्वभाव यह है कि कहीं भी पानी डालो तो उतार की तरफ बहेगा उतर के तरफ बहेगा ना ऐसा हो सकता है क्या कि पानी डालो पहाड़ पर चढ़ेगा नहीं उतर क्यों क्योंकि पानी का स्वभाव है नेचर इसको नेचर बोल सकते द नेचर ऑफ़ द वाटर इंट्रेंसिक नेचर इंट्रेंसिक कैरेक्टर जो है हाँ वो है कि पानी नीचे बहेगा पानी को हम जीरो डिग्री पे बर्फ बनता ये उसका नेचर है पानी को अगर उबालो हंड्रेड डिग्री पे, तो क्या होगा भाप बनेगा उसका नेचर है ऐसा कर, है क्या कि किसी प्रदेश में हम जाएंगे तो सौ डिग्री में उबलेगा नहीं दो सौ डिग्री लगेगा ऐसा नहीं कहीं भी जाओ तो पानी उबलेगा ही बॉइल होगा ही हंड्रेड डिग्री पर ये उसका नेचर है एक पत्थर हम उछालते ऊपर फेंकते हाँ ऊपर फेंका तो पत्थर नीचे गिरता गिरता ना क्यों उसका स्वभाव है स्वभाव इसलिए है कि वो पत्थर जमीन का हिस्सा है और हर चीज़ अपने स्रोत के तरफ बहती है तो जमीन का हिस्सा पत्थर है तो फेंको होता नहीं आएगा। पानी ढलान की तरफ क्यों बहता क्योंकि सागर उसका स्रोत है आपने अगर देखी होगी आग जलाते हैं तो आग ऊपर जाती क्यों जाती क्योंकि उसका स्रोत सूरज है तो मेनबत्ती जलाओ नीचे करो तो भी ज्योति ऊपर ही जाएगी क्यों उसके उसका ये उसका स्वभाव है तो उस स्वभाव को बोला है धर्म तो वस्तु स्वभाव धम्म तो हर वस्तु का धर्म है और धर्म क्या है स्वभाव स्वभाव का मतलब इंट्रेंसिक नेचर हाँ वो एक प्रकृति है उसके बगैर कुछ भी नहीं हो सकता तो हर वस्तु का स्वभाव है तो हमको ये समझना है कि हमारा स्वभाव क्या है ये समझना है और वो जानना है तो हर वस्तु का जो स्वभाव है ये सत्य है कि नहीं ऐसे सत्य ही है ना अग्नि अग्नि में हाथ डालो ये स्वभाव है लेकिन ये सत्य ही है और बुद्ध ने इसको ही बोला कि धम्म मतलब लॉ धम्म का अर्थ क्या बोला है बुद्ध ने लॉ लॉ मतलब नियम और कौन सा नियम सनातन नियम एटर्नल लॉ शाश्वत नियम है ये कभी भी गलत नहीं हो सकता हाँ तो इसको ही बुद्ध ने स्वभाव बोला है धम्म को ही नियम बोला है धम्म को ही सत्य बोल सत्य को बोला है और इसी को बोला है कि शाश्वत जीवन शाश्वत मतलब ये कभी भी वो धर्म खत्म नहीं हो सकता जहाँ भी अग्नि है धर्म खत्म नहीं होगा जहाँ कहीं भी पानी डालो नीचे बहेगा उसका स्वभाव कभी भी खत्म नहीं हो सकता इसलिए उसको बोला है कि धम्म वो वस्तु का शाश्वत जीवन है फिर चौथी चीज़ ये है कि धम्म क्या है तो बुद्ध ने बोला है धम्म है क्रिया प्रक्रिया धम्म क्या है क्रिया और प्रक्रिया कैसे आ, जैसे मन है तो मन हमेशा ही काम करेगा चार तरह से जानने की कोशिश करेगा विचार करने की कोशिश करेगा फिर जैसे विचार करते तो विचार से वेदना निर्माण होती और वेदना से फिर संस्कार तो विज्ञान संज्ञा संवेदना संस्कार विचार करें मन विचार करेगा हाँ विचार से वेदना विचार और विचार से वेदना वेदना से विकार ये प्रक्रिया है मन की यह मन का क्या है नियम है मन ऐसे ही काम करेगा और इसलिए इसको बोला है ये मन की क्रिया है तो बुद्ध बोलते हैं कि धम्मानु धम्म पटिपतिया धम्मानु धम्म का अर्थ होता है कि धम विपसना की आखिरी अवस्था धम्माुपसना है तो धम्मानुपषना द्वारा हमको क्या करना है मन कैसे काम करता है और वो मन के काम करने का जो तरीका है मन के काम करने की जो प्रक्रिया है हमको सुख में लेके जाती है कि दुख में लेके जाती है तो ऐसा देखा गया है कि मन की काम करने की जो प्रक्रिया है आदमी को सिर्फ दुख में लेके जा सकती है और ये उसका स्वभाव है ये मन मन का सत्य है ये मन का नियम ऐसा ही काम करेगा दूसरी तरह से मन काम ही नहीं काम ही नहीं क्यों क्योंकि ये जो मन है ये मन ही सत्य नाम सत्य नहीं है मन आया हुआ पशुओं से आया हुआ मन है और ये मन जो हमने हमारे पास है ये हमारा मन नहीं है जिसे हम बोलते हैं ना ये मनुष्य अरे हम मन है हमारे पास तो ये मन हमारा नहीं है ये हमने बनाया हुआ नहीं है ये मन जो है इसमें कुछ संस्कार जानवरों के हैं हिंसा से आए हुए हैं और कुछ संस्कार हमारे माँ बाप और प्रो, प्रीस प्रोफेसर्स इन लोगों ने हमको संस्कारित किया है और इसलिए ये जो मन है हमारा ये अनैसर्गिक है और ये हमको दुख में लेके जाता है तो दुख में कैसे लेके जाता है ये मन मन का धम्म क्या है दुख में क्यों लेके जाता तो ये हमारे पास जो मन है ये पांच लोगों ने बनाया हुआ है कितने लोगों ने बनाया हुआ है हमारा मन पहले पेरेंट्स जैसे बच्चा पैदा होता उसके माँ बाप उसको सिखा देते क्या सिखा देते कि हम मुसलमान हैं कुरान हमारी सर्वश्रेष्ठ किताब है मोहम्मद पैगंबर हमारा आखिरी शास्ता है उसके अलावा कोई कोई हमारा दूसरा धर्म नहीं है दूसरी किताब नहीं और हम हमारे सबसे बड़ा धर्म है हमने ऐसे ही कपड़े पहनना चाहिए ऐसे ही मस्जिद में जाना ऐसे ही रोजे रखना ऐसे ही दाढ़ी रखना ऐसे ही बुरका पहनना इसके अलावा कुछ भी नहीं अभी हम देख रहे कि ईरान में है वो हिजाब नहीं पहना करके एक लड़की को मार डाला तो पूरे ईरान में अभी सब आंदोलन शुरू हुए पूरे ही है। और पचास साठ जो आंदोलन करती ल, ल, लड़की है उनको मार डाला क्यों क्योंकि वो बोलते कि ऐसा ही हमारा धर्म है इसके अलावा कुछ भी करना नहीं ये माँ बाप ने डाला हुआ है ऐसे ही हमारे जो मुल्ला आते वो सिखाते फिर उनके जो मदरसे में स्कूल में कॉलेज में ऐसा ही प्रोफेसर सिखाते तो पेरेंट्स पुलिस प्रोफेसर उनके पॉलिटिशियन वैसा ही सिखाते फिर उनके जो साहित्यिक लोग रहते हैं वैसा ही सिखाते हैं वैसे ही हिंदू अगर है तो हिंदुओं के माँ बाप बताएंगे कि गीता हमारी किताब है उपनिषद हमारी किताब है हाँ हिंदू धर्म सर्वश्रेष्ठ सर्वश्रेष्ठ है और फिर उन, उन उनके प्रोफेसर वही चीज़ सिखाते उनके पॉलिटिशियन वही चीज़ सिखाते तो पेरेंट्स प्रोफेसर प्रीस पॉलिटिशियन और साहित्यिक वैसे सिखाते तो हर अग, अगर अगर हाँ जैन लो तो जैन लोग बोलेंगे कि बस हमारा सबसे बड़ा भगवान महावीर है जीन सूत्र उन्होंने जो होता है बस वैसे ही जीना तो हमारा जो मन है वो किसने बनाया हुआ है पांच लोगों ने पेरेंट्स प्रोफेसर प्रिस्ट पॉलिटिशियन प्रोफेसर्स और पत्रकार ये पांच लोग जो बनाते हमारा मन बनाया तीनों जैसा हमारे मन में डाला बचपने से बस हम कोई हिंदू हो गया कोई मुसलमान हो गया कोई क्रिश्चन हो गया कोई जैन हो गया कोई ईसाई हो गया कोई यहूदी हो गया और हर आदमी अपनी अपनी विचारधाराओं को सर्वश्रेष्ठ समझता और ये पाँच के अलावा हमारे हम किसी न किसी से संगत करते कोई ना कोई हमारा फ्रेंड रहता ना कोई ना कोई हमारा फ्रेंड रहता हर लड़की का हर लड़के का कोई ना कोई, कोई फ्रेंड रहता वो फ्रेंड भी जिसके साथ तुम रहते हो संगत तो संगत गुण वो भी संगत भी तुमको संस्कारित कर दे एक लड़का अगर किसी गलत लोगों के हाँ साथ रहता तो गुटखा खाना तम्बाकू खाना दारू पीना सीख लेता है आ, मारा पीटी करना सीख लेता हज़ार तरह के दुर्गुण जो साथियों के साथ रहते मित्रों के साथ रहते उनके दुर्गुण हमारे भी, आ, भीतर आ जाते तो संगत तो ये छह चीज़ें हमारे छह चीज़ें छह लोग हमारा मन मनाते तो ये मन हमको दुख में ही लेके जाता है इसलिए हम जो ध्यान करते हैं वो ध्यान जो कर रहे हैं वो ध्यान क्या है ये मनंग से बुद्धंग की यात्रा है मन अंग से विचार से निर्विचार कैसे होना तो वो विपचना के द्वारा ध्यान के द्वारा ये हम सीखने की कोशिश कर कर रहे हैं। तो हमको ये सीख लेना है कि मन का धर्म क्या है शरीर का धर्म क्या है ये शरीर हमारा हमारे नियंत्रण में नहीं है तो इसका धर्म क्या है धर्म ये है कि ये सतत परिवर्तनशील है तो परिवर्तनशीलता ये शरीर का जो धर्म है ये सतत परिवर्तनशीलता है कि पहले बचपन था फिर जवानी फिर बुढ़ापा और धीरे धीरे ये बदल बदल रहा तो एक शरती शरीर है। इसको शरीर क्यों बोलते हैं शरीर इसलिए बोलते इसका क्षरण हो रहा है अक्षर का अर्थ नष्ट न होना क्षर का अर्थ नष्ट होना ये धीरे धीरे जैसे पैदा हुआ नष्ट हो रहा है ये उसका धर्म है मन का धर्म यह है कि सतत परिवर्तनशील है हाँ जैसा उसमें डाला है वैसा ही वो करता है दुख की तरफ ही लेके जाता है ये मन का धर्म है तो बुद्ध बोलते हैं कि धर्म को जानो तो धर्म कैसे जानना है तो सबसे पहले हमको सजग होना है बुद्ध सिखाते सम्मा सती आपको क्या कर होना है ध्यान के द्वारा आपको सजगता सीखना है अभी हमारे पास सजगता नहीं है अभी हमारे पास क्या है एक मन है तो वो उसकी चंचलता हमारे पास है हम बाहर के जीव दुनिया में बस आ? आंखों से देखते तो वो जो देखते हुए अच्छी अच्छी चीज़ों के पीछे चले जाते कानों से संगीत सुनते कोई तो उसके पीछे चले जाते हाँ कोई आदमी गंध के पीछे चले जाता कोई स्वाद के पीछे चले जाता कोई स्पर्श के पीछे चले जाता कोई विचार करने के पीछे चले जाता तो ये जो छह इंद्रिय है छह इंद्रियों के छह विषय है विषयों के पीछे हम चले जाते ये चंचलता है तो ये चंचलता को नष्ट करके कैसे एकाग्रता साधना कॉन्सेंट्रेशन कैसे करना और एकाग्रता से सजग कैसे होना ये बुद्ध की विधि है जैसे आप ध्यान करते एकाग्रता का तो चंचलता खत्म होती तो हजारों दिमाग की बीमारियाँ खत्म हो जाती और फिर एकाग्रता को सजगता में परिवर्तित करना सीखना है और सजग हो फिर हमको जीवन देखना है कि जीवन कैसा है हाँ तो जीवन कैसा है द तो जीवन देखने की जो प्रक्रिया है उसको बुद्ध ने बोला है सजग हो जीवन देखना मतलब जीवन का सत्य क्या है तब ने अगर आप सजग भी नहीं तो भी आप देख रहे कि बाहर का जीवन कैसा है कैसा है बाहर का जीवन बाहर का जीवन तीन तरह का है कैसा है बाहर का जीवन कि बाहर का जीवन है सतत परिवर्तनशील आप बाहर देखते तो क्या हो रहा हर चीज़ बदल रही हर चीज़ कोई छोटा बच्चा है तो जवान होता बूढ़ा होता मर जाता हा? हर स्थिति परिस्थिति परिस्थिति में परिवर्तन देखते रहते रुतिय बदलते रहती और हम सुबह देखते सुबह सूरज उगता फिर शाम को डूब जाता फिर रात आती फिर दिन आती सतत परिवर्तन ऋतु में परिवर्तन तो बाहर सतत हम परिवर्तन देखते और परिवर्तन भी कैसा है परिवर्तन भी ऐसा है कि जो चीज़ अभी है थोड़ी देर में गायब हो जाती अभी कोई किसी आदमी को हम जिंदा देखते और थोड़ी देर में पता चलता कि वो मर गया और बाद में जाके देखते तो कुछ है ही नहीं है तो बाहर का जीवन कैसा है परिवर्तनशील है परिवर्तनशील है मतलब बुद्ध ने उसको बोला अनित्य है और अनित्य मतलब अभी है अभी नहीं है अनित्य का अर्थ नित्य का अर्थ सनातन शाश्वत होता हमेशा जो चीज़ रहती उसको नित्य बोलते लेकिन बाहर का जीवन कैसा है अनित्य है अनित्य मतलब परिवर्तनशील है परिवर्तनशील का मतलब क्षण भंगुर है क्षण भंगुर का मतलब अभी है नहीं? अभी नहीं है तो दूसरे का भी जीवन हम लोगों को मरते हुए देखते क्षण भंगुर है तो ये है जीवन का सत्य इसको बुद्ध ने बोले अनित्य धर्मा बाहर का जीवन कैसा है अनित्य धर्मा है हाँ अनित्य धर्मा मतलब धर्म मतलब उसका स्वभाव धर्म मतलब उसका नेचर धर्म मतलब उसका नियम धर्म मतलब यह सत्य ही है जो भी चीज़ हम बाहर देखते वो परिवर्तनशील है आज जैसी है वो कल रहने वाली नहीं है हाँ और ये भी हो सकता है कि अभी ज, कोई चीज़ जीवित है थोड़े दिन मर जाएगी ये है अनित्य तो इसको समझना इसको जानना और इसको जान लिया समझ लिया तो हम दुख से मुक्त हो सकते नहीं तो हम हम क्या करते जो चीज़ अनित्य है उसको हम क्या समझते नित्य समझते तो साधारण लोग जिन्होंने ध्यान नहीं किया जिन्होंने किसी तरह का ज्ञान प्राप्त नहीं किया वो अनित्य चीज़ों को नित्य समझते अज्ञान के कारण ये दुख का कारण है अब ये समझ में नहीं आता अनित्य अनित्य को नित्य कैसे समझते हम समझते कि मेरी माँ कभी मरेगी नहीं मेरा बाप कभी नहीं मरेगा मेरे जो बच्चे हैं मेरे जो भाई है कभी नहीं मरेंगे और इस तरह से हम समझते जानते जैसे कुछ घटित होता हाँ हम दुख में चले जाते दिल्ली में दो साल का बच्चा बीमार पड़ा और बीमार पड़ने बाद उसको डेंगू हो गया डॉक्टर ने बोला कि इसको सीरियस डेंगू हो गया और सीरियस हो गया और तो सीरियस हो गया सात आठ दिन के बाद बच्चा मर गया तो डॉक्टर ने आके बोल दिया माँ बाप को कि बच्चा मर गया जैसे उन्हें सुन, सुना उनको शौक लग गया और शौक लगते लगते ही उन्होंने क्या किया कि दोनों ने हाथ पकड़ा और दिल्ली के ऊपर के सातवें मजलि से नीचे जम करके सुसाइड कर लिया क्यों क्योंकि उन्होंने उनको इतना दुख हुआ कि जो बच्चे को समझ रहे थे ये मेरा हाँ है मतलब मेरा है मतलब मैं ही समझ रहे थे और उस समझ रहे थे कि कभी मरेगा नहीं और जैसे वो बच्चा मरा तो उनको लगा कि बस अपना जीवन व्यर्थ हो गया सुसाइड कर लिया क्यों क्योंकि वो अनित्य को नित्य समझ रहे थे उसके कारण उस हाँ उनको दुख हुआ दुख के कारण उन्हें सुसाइड कर लिया आंध्र प्रदेश में दो भाइयों का झगड़ा हो गया दो भाइयों का झगड़ा होने के बाद हाँ बड़ा भाई चले गया छोटे भाई को छोटा भाई बहुत गुस्से में था उसने उसकी छोटी लड़की है पा, पा, पास में तो गुस्से में उसको एक थप्पड़ मारा वो नीचे गिर गई उसका सर नीचे ज़मीन को लग गया जो फट गया वो मर गई जैसे बड़े भाई को पता चला कि छोटे भाई ने मेरे भाई लड़की को मारा मर गई सुना हार्ट अटैक आ गया मर गया ये क्यों ये इसलिए कि अज्ञान वश हम अनित्य को नित्य समझते और नित्य के कारण क्या होता है हमको दुख होता है तो बुद्ध बोलते अनित्य को अनित्य समझो तो फिर हमारी बाहर के जीवन के ऊपर की पकड़ कम हो जाएगी आसक्ति कम हो जाएगी और बाहर जो भी चीज़ें देखते हैं हम बाहर अब आप मुझे देख रहे हैं मैं आपको देख रहा हूँ या आप जिस भी चीज़ को देखते आप माँ को देखते बाप को देखते भाइयों को भाई को देखते बहनों को देखते अपने पति को देखते या पति को देखते तो जिसको भी देखते हो क्या बोलते ये मेरा ये मेरा है मेरी मेरी माँ है मेरा भाई है मेरी मेरा पति है मेरी पत्नी है मतलब उनको हम क्या समझते मेरी है मतलब मेरी आत्मा है और जो भी चीज़ अनित्य है बाहर है वो मेरी आत्मा हो नहीं सकती उसको वो उसको मैं मैं और मेरी नहीं बोल सकता हूँ लेकिन मैं समझता हूँ मेरी और ये समझने के कारण क्या होता हाँ कोई भी अघटित हुआ घटना घट गट गई तो उसमें दुख में चले जाता तो बाहर जो भी चीज़ दिखती बाहर जो परिवर्तनशील है तो बुद्ध बोलते उसको समझो कि ये मैं नहीं हूँ ये चीज़ मेरी नहीं है अगर ऐसा समझोगे तो उस चीज़ के प्रति आसक्ति कम होगी ना आसक्ति कम होगी तो आप दुख में नहीं नीचे जाएंगे तो बाहर जितनी भी चीज़ें हैं उसको हम समझते मेरी आत्मा है तो वो जो भी चीज़ बाहर है वो मेरी आत्मा नहीं है तो उसको समझना अनात्मा तो ये अनात्म बोध जो बाहर है वो मैं नहीं मेरी नहीं उसको समझना बोध मत ये उसका धर्म है तो ये समझ ये हमको समझना है और तीसरी चीज हमको जानना है सजग हो के कौन सी कि जीवन में दुख कैसे होता हम अज्ञान में क्या करते हैं जिससे दुख होता तो साधारणतः जिन्होंने ध्यान नहीं किया जिनको किसी तरह का ज्ञान नहीं वो लोग जीते कैसे वो जीते ऐसे वो हमेशा दुख को सुख समझते और अधर्म को धर्म समझते अधर्म को धर्म समझने से दुख होता और दुख को सुख समझने से वो आदमी दुख में चले जाता अब ये समय ना कठिन है अब ये समय ना कठिन है ऐसा होता क्या कभी कि हम जीवन में दुख को सुख समझें दुख को सुख समझते क्या हम हाँ लेकिन साधारण लोग ऐसा ही समझते हाँ हाँ अधर्म को धर्म समझते क्या लेकिन लोग अधर्म को धर्म समझते हाँ अभी हम अभी हमको अनुभव है आग में हाथ नहीं डालने का हाँ आग में हाथ डालो तो डाल जलता ना हाथ हम डालते क्या हाथ लेकिन हर दिन अग्नि में हाथ डालते और जल जाते खुद भी जल जाते दूसरे को भी जला, जला लेकिन हमको पता ही नहीं वो अग्नि कैसे है तो वो अग्नि अभी ये बाहर के अग्नि में हाथ नहीं डालते लेकिन हमारे मन में है ना रागाग्नि देशाग्नि मोहाग्नि कामाग्नि है ना उतरते ना हम उसमें खुद भी दुख में चले जाते दूसरे भी दुख में चले जाते तो बुद्ध बोलते कि दुख को दुख समझो हम दुख को सुख समझते अधर्म को अधर्म समझो तो लोग क्या करते हैं साधारण लोग अधर्म को धर्म समझते और उसके कारण दुख में चले जाते तो कैसे अब मुझे बताओ ये दारू पीना गुटखा खाना हाँ धर्म कि अधर्म है? अधर्म और ये दारू स्मेल आती वो पीने से आदमी बेहोश हो जाता बीमार पड़ता सिरोसिस होता हाँ और कई तरह की बीमारियाँ उसको होती हाँ वो दारू पीने से वो दुख में चले जाता जाता ना में तो दारू पीना ये सुख है कि दुख है लेकिन दारू पीने वाला कैसा पीता पहले धारे किए हुए बहुत ही अच्छी दारू है बहुत कीमती है मस्त है दारू क्या मस्त अच्छा आ गई मतलब है दुख लेकिन उसको समझता सुख और दारू पीना अधर्म है और दुख देता लेकिन लोग उसमें चले जाते लेकिन उनको समझ कितना भी समझाओ नहीं समझते अब क्रोध करना चिड़चिड़ करना छोटी छोटी चीज़ों पर ऊपर एक, एक आदमी एक स्त्री के ऊपर क्रोध करता चिड़चिड़ करता या स्त्री आदमी के ऊपर चिड़चिड़ क्रोध करता अब ये चिड़चिड़ करना क्रोध करना मतलब दूसरे को दुख देना है ना लेकिन क्यों करते क्रोध दूसरे को मारना हत्या करना ये धर्म है कि अधर्म है अच्छा हम दूसरे को मारते हैं तो दूसरा दुखी होता ना लेकिन क्यों मारते हैं हम इसलिए मारते कि हमको उसके मारने में सुख मिलता हा? मतलब मारने में सुख तो दूसरे को दुख देने में सुख मिलता अभी एक अभी दो दिन पहले दारवा में मर्डर हुआ मर्डर हुआ ना हाँ क्या मर्डर हुआ एक आदमी ने एक आदमी मर्डर किया था दो तीन साल पहले वो आदमी मर गया उसके बच्चों ने उसको मार डाला जेल में गए उसको मारना अभी वो जेल में रहेंगे दस दस बीस बीस साल जेल में रह गए लेकिन सुख है वो मैंने मारा ना बस ये अहंकार ये अज्ञान तो अधर्म को लोग धर्म समझते और दुख को सुख समझते उसके कारण आदमी दुखी है अब चोरी करना चोरी करना अधर्म है हम दूसरे को दुख देते लेकिन हम इसको लोग इसी को समझते कि बस मेरा धर्म यही है हाँ लोग ये समझते कि बस ये ऐसा करने से ही मैं सुखी हो सकता हूँ ये कितनी औरतों के गोल्ड चेंज स्नैचिंग हो रही हाँ कितने मतलब हजारों हजारों लाखों आ, आ, जो स्त्रियाँ हैं सोने की गहने गहनी नहीं पहनते हर दिन पेपर में पढ़ो कि बस ये लेडीज की मंगलसूत्र खींच लिया तोड़ डाला आ, तो जो सोने की चेन तोड़ डाली कुछ लोगों को बहुत ही अच्छा लगता है लेकिन दूसरे को दुख होता है लेकिन दुख देने में वो खुद को सुख व्यभिचार करना व्यभिचार करना अधर्म है व्यभिचार करना आ, दूसरे को दुख देना है खुद भी दुख में जाना है अपन भी अपने मन से गिरते दूसरे के भी मन से गिरते और दुख में चले जाते फिर भी लोग उसको सुख समझते <coughs> तो ये हमको समझना है कि धर्म क्या है अधर्म क्या है सुख क्या है दुख क्या है तो सजग होकर ये देखना ये समझना अगर इस तरह से हम <coughs> ध्यान करते ध्यान होके बाहर के जीवन में हम अनुभव करते कि बाहर का जीवन कैसा है <coughs> बाहर का जीवन कैसा है <coughs> अनित्य धर्म मतलब उसका नियम उसका सत्य बाहर के जगत का ऐसा ही है सब खत्म होने वाला है आज जैसा आपको दिख रहा है जगत कल वैसा नहीं रहता और बाहर का जगत कैसा है अनात्म धर्मा अनात्मधर्मा है अनात्म धर्म मतलब वो उसमें मेरा नहीं है और मैं नहीं हूँ और बाहर की जितनी भी चीज़ें तुम आप करोगे जितनी भी चीज़ें करोगे बाहर मतलब अनित्य के पीछे अनात्म के पीछे हम जितना भी जाएंगे आपको दुख के सिवा कुछ भी नहीं मिलेगा तो दुख का बोध क्या करने से मैं दुख में जाता हूँ ये अनुभव करना दुख बोध तो अनित्य बोध अनात्म बोध दुख बोध ये ध्यान के द्वारा आपको स, 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 समझ लेना है ये बाहर के जगत के प्रति फिर आंखें बंद करते आंखें बंद करते हम तो अपने आप को सोई को देखते तो सोई को देखने से हमको पता चलता कि बाहर की चीजें तो बदल रही है बाहर की चीजें तो बदल ही रही और बाहर लेकिन मेरे भीतर भी परिवर्तन हो रहा मेरे शरीर में परिवर्तन हो रहा ये शरीर के ऊपर भी मेरा नियंत्रण नहीं हाँ तो मेरा शरीर भी क्या है क्षण क्षण परिवर्तित हो रहा और नष्ट होने के मार्ग पर है मेरा मन भी सतत परिवर्तनशील है सतत बदलत बदल बदल रहा तो ऐसी कौन सी चीज़ है मेरे भीतर जो कभी भी नहीं बदलती इसका अनुभव करना है इसको ये जानना है आपको जैसे हमने बोला कि आग का स्वभाव जलाना है कभी बदलता क्या नहीं बदल पानी का स्वभाव है बहना ना नीचे कभी बदलता नहीं पत्थर फेंका नीचे गिरता कभी वो स्वभाव कभी नहीं बदलता पानी हंड्रेड डिग्री सेल्सियस जलता जीरो डिग्री में बर्फ़ होता ये ये जो स्वभाव है कभी नहीं बदलता तो ऐसी कोई चीज़ है क्या मेरे भीतर जो कभी नहीं बदलती उसको खोजना उसके तरफ जाना ये ध्यान का प्रयोजन है तो हम ध्यान किस लिए कर रहे ध्यान इसलिए कर रहे कि ऐसी एक चीज़ हमारे भीतर है हमारे भीतर हमारे अस्तित्व में ऐसी एक चीज़ है जो कभी भी नहीं बदलती वो अजन्मा है अमरुत है और कभी भी मरने वाली चीज़ नहीं है उसकी खोज ये ध्यान का प्रयोजन है तो सजग होके हमको वो चीज़ देखना है क्या देखना है कि मेरे भीतर क्या है जो अजन्मा अमृत है तो ऐसी कौन सी चीज़ है तो उसका स्पष्ट वो तो वो समझ लो कि कौन सी चीज़ है अब मैं आपको एक चीज़ हमारे भीतर एक बुद्ध चेतना है बुद्ध बोलते कि हर मनुष्य के भीतर बुद्ध चेतना है आपने कभी अनुभव किया क्या हाँ अनुभव किया अनुभव किया हमारे भीतर एक बुद्ध चेतना है करके अनुभव किया